हाय एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम टू इंडिया एथनिक। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा एक ट्यूनिक टॉप बताने वाली हूँ, जो कि शॉर्ट लेंथ की है। इसे आप लेगिंग्स के साथ, जींस के साथ, घाघरे के साथ, धोतीज के साथ, स्कर्ट के साथ, लहंगे के साथ, लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, छोटा बड़ा, और किसी भी चीज़ के साथ इसे आप टिम अप करिए। तो ये जॉर्जेट का फैब्रिक आप देख सकते हैं, 3 मीटर। अगर आपके पास कोई साड़ी पड़ी हो तो भी उससे बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपके पास कोई दुपट्टा है, पतला है, उससे भी ये बहुत अच्छा बनेगा। तो देख सकते हैं, सबसे पहले मैं मेजरमेंट बता देती हूँ। टोटल लेंथ मैं 35 रख रही हूँ। मैं लेगिंग्स या जींस के साथ पहनने के लिए बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा 35 लेंथ रख रही हूँ। अगर आप घाघरे, स्कर्ट, धोतीज के साथ पहनना चाहते हैं तो आप 30 भी रख सकते हैं, लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। बॉडीस इसमें 15 रहेगी और स्कर्ट जो रहेगी वो 20 इंच की रहेगी, और एक लेयर और 15 इंच की ऐड होगी, वो जब आपको कटिंग होगी तो समझ में आ जाएगा। तो ये टोटल लेंथ 35 हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चेस्ट 11.5 है, नॉर्मली मैं 11 रखती हूँ, पर 0.5 एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि इसमें लाइनिंग ऐड होगी। वेस्ट 10.5 ऐड होगी। ये डबल एक्सल साइज के मेजरमेंट से आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बॉडीज कट करेंगे। बॉडीज कट करने के लिए हम सबसे पहले लाइनिंग में स्किन कलर की ऐड कर रही हूँ, तो लाइनिंग सबसे पहले हम उसी पे मार्किंग करेंगे। सबसे पहले 15 इंच, जैसा कि हमने बताया था मेजरमेंट में, 15 इंच की बॉडीज हम लेंगे। तो 15 इंच मार्क करके हम एक स्ट्रेट लाइन खींच के इसको कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा लेंथ आ चुका है। अब इसके बाद हम आगे की जो मार्किंग है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 8 इंच पे। एट ही इंच पे आप मार्क कर देंगे। आर्म होल के लिए 7.5 भी कर सकते हैं। उसके बाद इन पॉइंट्स को जोड़ के हम बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद 3 इंच पे हम मार्क करेंगे अपने गले के लिए। हाफ इंच हम शोल्डर स्लोप के लिए मार्क करेंगे। अगर आप स्मॉलर साइज में बना रहे हैं तो 1.25 इंच भी मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम 11.5 पे मार्क करेंगे अपने चेस्ट की फिटिंग के लिए। ये सब एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ने के बाद है। 10.5 हम वेस्ट के लिए, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इसमें हिप मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम यहाँ से इसके हाफ पे मार्क करेंगे, और यहाँ हाफ वाले पॉइंट से फिटिंग वाले पॉइंट को गोलाई देते हुए मिला देंगे, तो ये पीछे के पल्ले की गोलाई हो जाएगी। और आधा इंच बाहर की तरफ करके यहाँ से इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, तो ये आगे के पल्ले की गोलाई हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं जो बॉडीज पार्ट का है वो पूरा हमारा मार्किंग हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, और जो नेक पार्ट की कटिंग है वो हम बाद में करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं जो बॉडीज वाला लाइनिंग है उसको हम अपने मेन फैब्रिक पे रखेंगे, और इसके इक्वली बराबर हम कपड़ा कट कर लेंगे। तो हमने पिंस लगा लिया है, उसके बाद हम इसके बराबर से जो फ्रंट और बैक का पल्ला है दोनों बराबर से हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने फ्रंट और बैक दोनों के लिए मेन फैब्रिक निकाल लिया है, दोनों को अटैच कर लिया पिन की हेल्प से। अब उसके बाद हमने इस पे पक्की सिलाई, बड़े बड़े टाके की सिलाई चला दी, जिससे हमें आगे का काम करने में आसानी, क्योंकि पिन चुभते हैं। अब हम देख सकते हैं इसको बड़े बड़े टाके से हमने लाइनिंग को अटैच कर लिया। अब इसका जो गले की कटिंग है वो हम कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं हम। आप अपने पसंद का कोई भी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा यू शेप दे रहे हैं, आप बोट नेक भी बोल सकते हैं। तो आप अपना कोई भी पसंद का गला का जो कटिंग होगा वो कर लीजिएगा। मैं लगभग 4 इंच मार्क करूँगी और गोलाई दे दूँगी, आगे पीछे दोनों का बराबर ही रखूँगी।
तो आप ये देख सकते हैं जो आगे पीछे का हमारा पल्ला है उसके गले की हमारी जो है दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम आगे का जो काम है जो नीचे हम स्कर्ट्स जोड़ेंगे उस पे हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं डबल फोल्ड में फैब्रिक है, एक लेयर है ये डबल फोल्ड में। तो ये कैसे मेजरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये लगभग ऊपर वाला 15 इंच का है और जैसा कि मैंने बताया था नीचे वाला 20 इंच का एक होगा। दो पल्ले 20 20 इंच के लेंगे आगे और पीछे के लिए, आप ये देख सकते हैं। तो ये एज ए लाइनिंग यूज होगा, ये नीचे होगा, ऊपर 15 इंच का हम लगाएंगे, वो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए ये जो हमारा डबल फोल्ड में बॉडी है वो लगभग 12 इंच है, तो डबल फोल्ड में नीचे वाला फैब्रिक एटलीस्ट 20 22 20 24 है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी गैदरिंग बनेगी, पर एटलीस्ट 20 इंच तो होना ही चाहिए जितना की फिटिंग है। जस्ट डबल, जो भी आपका बॉडीज पार्ट है उससे जस्ट डबल ये वाला फैब्रिक होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं लगभग 20 21 इंच का है चौड़ाई में, लेंथ में 20 इंच है, डबल फोल्ड है। इसी तरह एक और डबल फोल्ड इसी के बराबर हम कपड़ा ले लेंगे, एक आगे के पल्ले के लिए एक पीछे के पल्ले के लिए। तो जैसा कि ये 15 और ये 20 मिला के 35 टोटल लेंथ हमारी आ गई है, आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कपड़ा पतला है, अगर आप साड़ी या कुछ ऐसा लेते हैं तो कपड़ा पतला होगा, उसको लाइनिंग की ज़रूरत होगी, पर हम इसे लाइनिंग नहीं यूज़ करेंगे, इसी फैब्रिक का एक और लेयर यूज़ करेंगे लाइनिंग की तरह। वो एक फैशन भी हो जाएगा, लाइनिंग भी हो जाएगी, एक डिफरेंट डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो इसके ऊपर ये नीचे रहेगा एज ए लाइनिंग 20 इंच का, इसके ऊपर लगभग 20 इंच का मैं एक और लेयर ऐड करूँ, सॉरी 15 इंच का एक और लेयर यूज़ करूँगी। ये इसी के चौड़ाई के बराबर है पर इसकी लेंथ 15 है, पहले वाले की लेंथ 20 थी, इसकी 15 इंच है, आप देख सकते हैं। आप मैंने 5 इंच का 5 इंच का डिफरेंस रखा, आप और ज़्यादा रख सकते हैं, 7 इंच का भी डिफरेंस रख सकते हैं, जितना आपको डिफरेंस रखना हो। ये सब सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो देख सकते हैं इसका भी मैंने दो पल्ला लिया, 15 15 इंच के दो पल्ले, 20 20 इंच के दो पल्ले, और ये हमारी बॉडीज। तो ये तीनों कटिंग हो गई है, आई होप आप समझ गए होगे। नहीं समझोगे तो जब सिलेंगे हम पूरा वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो कौन कैसे यूज़ होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं 5 इंच का डिफरेंस आ रहा है, और आप चाहें तो और ज़्यादा भी डिफरेंस इन दोनों फैब्रिक में रख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये सारा हो गया। अब हम स्लिप्स कट करेंगे, और स्लिप्स बिल्कुल सिंपल हम एल्बो तक कट करेंगे, जो हमारे पास पैटर्न है उसे यूज़ करके हम स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इस स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे दोनों की। तो आप ये देख सकते हैं दोनों स्लिप्स कट गई हैं, सब कुछ कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी सुइंग स्टार्ट करेंगे, और सुइंग में सबसे पहले हम जो आगे पीछे का पल्ला है बॉडी पार्ट का उसकी हम गले की फिनिशिंग करेंगे। और गले की फिनिशिंग करने के लिए हम ये सिंपल सी क्रॉस पट्टी यूज़ कर रहे हैं जिसे हम बायस टेप बोलते हैं। तो गला फिनिश कर लेंगे, कंधा जोड़ लेंगे, और स्लिप्स भी अटैच कर लिया है मैंने, ये सारा बेसिक काम मैंने कर लिया है। वीडियो में बड़ी ना हो इसलिए स्किप कर दिया है। सिंपल पट्टी से जैसे आप गला फिनिश करते हैं कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, स्लिप्स अटैच कर दीजिए, उसके बाद हम बॉडीज और स्लिप्स की फिटिंग कर लेंगे। मतलब बॉडीज वाला पार्ट आपको पूरा टोटल तैयार करना है, उसके बाद नीचे के घेरे पर हम जाएंगे। तो चलिए अब फिटिंग करके इसको बॉडीज पार्ट को आप पूरा तैयार कर लीजिए। तो देख सकते हैं हमने फिटिंग लगा लिया साइड से, स्लिप्स अटैच और सब कुछ, मतलब बॉडीज का पूरा काम हो चुका है। अब हम आगे जो स्कर्ट का पार्ट है वो करेंगे। तो ये सारे फैब्रिक्स हैं जो कि मैंने चार पल्ले थे, दो 15 15 इंच के, दो 20 20 इंच के, सारे फैब्रिक्स को लेंगे और एक ही साथ हम इनकी गैदरिंग बना लेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे गैदरिंग बनानी है। वैसे मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अपने मशीन पर जो सबसे बड़ा वाला टांका है उस पर मशीन को करके और सिलाई चला लेंगे तो आपकी गैदरिंग अपने आप बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं दो 15 इंच वाले हैं ऊपर और दो 20 वाले हैं, तो इन सब की हम एक साथ गैदरिंग बनाएंगे। और गैदरिंग बनाने के लिए कपड़े को इस तरीके से खोल लेंगे और एक साइड में हम सिलाई चलाएंगे बड़े टांके की, और जब आप सिलाई चलाएंगे तो देखेंगे ये जो चुन्नटें हैं अपने आप बनेंगी, आपको कुछ भी नहीं करना है।
तो जब ये चुन्नटे बन जाएंगी तो जो 2 20 इंच वाले हैं उनको एक साथ हम साइड से जोड़ देंगे और जो 15 इंच वाले हैं उन दोनों को एक साथ हम जोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं ये 20 इंच वाला है और हमने साइड से इसको जोड़ के एक सर्कुलर वे में बना लिया इस तरीके से। और अब इसके साथ हम चेक कर लेंगे कि ये बॉडी इस पार्ट के बराबर है कि नहीं है। अगर आप डबल लेते हो तो एग्जैक्ट बन जाता है, अगर नहीं बनता है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। गैदरिंग अगर छोटी बन गई तो बड़ी कर लीजिएगा, और गैदरिंग अगर बड़ी बन गई तो गैदरिंग को पास पास करके छोटा कर लीजिए। तो हमारा बराबर हो गया। नीचे का हेम को हमने इंटरलॉक करके फिनिश कर लिया है। अगर आपकी मशीन में इंटरलॉक नहीं है तो डबल फोल्ड करके हेम कर लीजिएगा, सिलाई चला लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं ये 20 इंच वाला है, दोनों को जोड़ लिया है। अब जो 15 इंच वाला है वो भी साइड से जोड़ के मैं दिखाती हूँ आप कर को। तो आप ये देख सकते हैं जो 15 इंच वाला था वो ये है। तो इस तरीके से दोनों हमारे तैयार हो चुके हैं। अब सिंपली इनको हमें बॉडी पार्ट के साथ अटैच करना है। तो रॉन्ग साइड में हम पहले बड़ा वाला 20 इंच का रखें क्योंकि उसको हम एज ए लाइनिंग यूज कर रहे हैं। उसके अंदर इस तरीके से 15 इंच वाला डालेंगे, आप ये देख सकते हैं वो भी रॉन्ग होगा। ये दोनों रॉन्ग इस तरीके से प्लेस करेंगे हम, और एक दूसरे के साथ हम बराबरी से इनको मिला लेंगे। इक्वल होने चाहिए ये, और इन दोनों को एक साथ हम इस तरीके से अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और इनको अच्छे से हम बिछा लेंगे। ध्यान रहिएगा दोनों रॉन्ग वे में ही एक दूसरे के अंदर डाले हुए हैं। अब इसके अंदर हम जो बॉडीज है उसको डालेंगे, पर बॉडी सीधी होगी। आप देख सकते हैं बॉडी सीधे साइड में है। अब इसको हम अंदर से इन दोनों के अंदर से डालेंगे, और इसको भी एग्जैक्टली इन लोगों के बराबर हम करेंगे। ये एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, पिंस लगा लेंगे, उसके बाद सिलाई चलाएंगे। तो पहले पिंस लगा के इन दोनों गैदरिंग को इक्वली हम बॉडी पार्ट के साथ इस तरीके से अच्छे से अटैच कर लेंगे। अब सिंपल सा बस काम है क्योंकि हमने हेमिंग इंटरलॉक तो कर लिया। सिंपल सा इसको हम सिलाई चलाएंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों गैदरिंग एक ही बार में आपके बॉडी पार्ट के साथ अटैच हो जाएगी। आपको डिफरेंट सा लाइनिंग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना, और ये आपकी एक ट्यूनिक टॉप तैयार हो गई है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, ऐसा ब्लाउज भी बना सकते हो। बस छोटी छोटी गैदरिंग कर लीजिए आप। अगर बहुत तरीके से इसकी लेंथ को आप डिफरेंट कर लीजिए, आप आराम से किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हैं। लेगिंग्स के साथ, जींस के साथ तो थोड़ा लॉन्ग रखते हैं। अगर आप घाघरे के साथ पहनना चाहते हैं तो शॉर्ट लेंथ में बना लीजिए। तो आपके पास बहुत सारी साड़ीज़ या चुन्नीज़ होंगी इतने पतले कपड़े की, तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगता है। कॉटन का लाइनिंग लगाते हैं तो वो थोड़ा हैवी भी दिखाता है, ये हैवी भी नहीं दिखाएगा। इसमें एक फ्लो भी रहेगा, आपका कपड़ा भी यूज हो जाएगा, एक डिसेंट सा डिज़ाइन भी आपके पास हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपके पास कोई अच्छा सा दुपट्टा है या कोई साड़ी है तो बनाइए। और अगर कपड़ा ज़्यादा है तो इसकी स्लीव्स भी अच्छी सी बेल स्लीव बनाइएगा, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा बनेगा। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, आप भी ट्राई करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।